मई के महीने में हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे. दिस इज़ इन रिमेम्बरेंस ऑफ द बर्थ डेट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द फर्स्ट ऑफिशियल नर्स. इट्स अमेजिंग हाउ द पैशन ऑफ वन पर्सन बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट नोबल प्रोफेशन. नर्सेस के बगैर कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम कामयाबी से चलाना मुमकिन नहीं. एज अ सर्जन मेरा मानना ये है कि सर्जरी में कामयाबी इज़ अ टीम वर्क. उस टीम में सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, ओटीएस और नर्सिंग स्टाफ सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं और मेरा बिलीव ये है कि इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सर्जन्स के बाद नर्सिंग का है. इसलिए कि नर्सेस ना सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में सर्जन को सपोर्ट करते हैं बल्कि उसके बाद जब ये पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में या क्रिटिकल केयर में जाते हैं तो वहाँ पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल नर्सेस का ही होता है. मैंने अपने करियर में नर्सिंग प्रोफेशन को एक अजीम प्रोफेशन पाया क्योंकि इसमें नर्सेस को मौका मिलता है कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें और उन लोगों की देखभाल कर सकें जिनको उनकी ज़रूरत है. और इसमें ना सिर्फ नर्सेस पेशेंट की देखभाल करती हैं बल्कि इन रिटर्न नर्सेस अर्न रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम देयर पेशेंट्स, फ्रॉम देयर हॉस्पिटल अथॉरिटीज एंड फ्रॉम देयर सोसाइटी. मुझे पेशेंट की फीडबैक आती है इवन रिटन में भी एंड इन राइटिंग में भी. कई पेशेंट्स मुझे आके नाम लेके नर्स का बताते हैं कि सर आपकी वो फलां नर्स बहुत अच्छी थी. मैंने कहा क्या उसमें ख़ास बात क्या थी? उसका जो बिहेवियर था, उसकी जो कम्युनिकेशन थी हमारे पेशेंट के साथ बहुत अच्छी थी, बड़ी सिंपैथेटिक थी, बड़े अच्छे तरीके से आके बात करती थी. टाइम पे दवाई देना, मेडिसिन देना, डॉक्टर को बुलाना, तो उस वजह से हमारी उसके साथ एक अच्छा रिलेशन भी रहता था. वर्किंग इन द मेडिकल डिपार्टमेंट, जो हमारी मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो जब पेशेंट वार्ड में पहुँचता है उसको रिसीव करना, उसको फर्स्ट लाइन उसकी वर्कअप प्लान आउट करना और उसकी मेडिसिन देना, दो इंस्ट्रक्शन रहते हैं, और ये सब काम जो है ये हमारी नर्सेस करती हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह वो नर्स जिसने एक ह्यूमैनिटी को सामने रखते हुए इस पेशेंट को रिसीव किया, उसकी मैनेजमेंट को प्लान आउट किया, ऑर्डर्स को कैरी आउट किया, उसकी जो इमीडिएट अर्जेंट जो टेस्ट हैं उनको कैरी आउट किया, ये सब चीज़ें इस कम्युनिटी की बेस्ट हैं. मुझे आज भी याद है वो दिन जिस वक्त मैंने अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर एज अ हाउस ऑफिसर अपनी हाउस जॉब का आगाज़ किया. और वो एक ऐसा वक्त था जिस वक्त एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट जिस वक्त अपनी हाउस जॉब शुरू करता है तो देर आर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स. एक बहुत ही ऐसा वक्त होता है जब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, और वो एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त आपको किसी की रहनुमाई की और किसी के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और मुझे अभी भी याद है कि मेरे साथ स्टाफ जो नर्सिंग के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने कितनी एक सपोर्टिवली और कितने एक अच्छे अंदाज के अंदर बड़ी बेसिक प्रोसीजर से लेके यहाँ तक कि आईवी कैन्युलेशन से लेके एबीजीज तक, मतलब हर स्टेप ऑफ द वे उन्होंने कितने अच्छे से हमें गाइड किया. और आज हम एक वो ऐसा टाइम था जिस वक्त हम उनसे सीखते थे और अब आज एक ऐसा टाइम हम साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. मेरे ख्याल में नर्सिंग प्रोफेशन एक बहुत ही अजीम प्रोफेशन है और अगर हम अपने कंट्री की मौजूदा सूरत हाल देखें तो हमारे पास नर्सिस से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जबकि बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक किसी भी कंट्री के स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर नर्सिस की तादाद ज़्यादा हो. डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में मैं बहैसियत चीफ ऑफ नर्सिंग काम करता हूँ. मेरा करियर कई सालों पे मुहित है, मैंने मुख्तलिफ अदवार में काम किया है नर्सिंग के. ऑफकोर्स इसका आगाज़ एकेडमिक से होता है, यानी मेरी ट्रेनिंग से. उस दौर को और आज के दौर को अगर मैं मुवाजना करूँ ओल्ड एंड न्यू स्कूल को, तो यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं, बहुत अच्छे और खुशाइंद डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो शायद उस दौर में एकेडमिक्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ती थी चीज़ों को पढ़ने में, उनके बारे में नॉलेज हासिल करने में. आजकल के स्टूडेंट्स जो नर्सिंग को पढ़ रहे हैं माशाल्लाह दे आर वेरी ब्रिलियंट, उनकी जो एकेडमिक्स हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन हैं. अगर मैं ओल्ड स्कूल को याद करूं तो हमें कुछ ख़ास बात के ऊपर बहुत फोकस करवाया जाता था कि हम मरीज़ की केयर करने में बिल्कुल सेल्फलेस होकर काम करें, अपनी खुद ही अपनी ईगो को एक तरफ रख के हम उनकी खिदमत करें.
डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में आज जिस वक्त नए नर्सेज इंडक्ट किए जाते हैं, तो मेरा सबसे बड़ा फोकस यही होता है कि वो ओल्ड स्कूल ज़रूर उनकी नई स्किल्स के साथ ऐड कर दिया जाए, कि वो भी अपनी ज़ात को एक साइड पे रख के मरीज़ की खिदमत करें, मरीज़ के साथ बहुत अच्छा शाइस्ता गुफ्तगू करें, अच्छा कम्युनिकेशन रखें और सेल्फलेस होकर काम करें। वर्किंग एट अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल हमने देखा है कि ये अनफॉर्चुनेटली जो ग्रुप हमने रिसीव किया है, जो हमारे साथ काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली ये हमारी फर्स्ट लाइन वर्कर्स होती हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स होती हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ ये हर उस रिस्क में इन्वॉल्व हैं जो किसी भी पेशेंट की वजह से अटेंडिंग डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ हो सकता है। इस सिलसिले में कोविड का जिक्र ज़रूर करूँगा, जो प्रीवियसली ईयर और सो में जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर हेल्थ केयर फैसिलिटी पर रहा, और ये वो प्रेशर था नॉट ओनली दैट द पेशेंट्स वर सेक और उनकी मैनेजमेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, इसमें जो वो वाला पार्ट के ये हाईली इन्फेक्शस था, ट्रीटिंग हेल्थ केयर वर्कर्स डॉक्टर और नर्सेस दे वर देयर टू प्रोवाइड फर्स्ट लाइन सपोर्ट, और उस मौके पे इस कम्युनिटी ने जितना बोल्डली पेशेंट्स को हैंडल किया, उनको ट्रीट किया, अपनी जान का रिस्क लेते हुए ट्रीट किया, इसका कोई आपको पैरेलल दुनिया में किसी डिजीज़ के साथ नहीं मिल सकता और इस कम्युनिटी के अलावा नहीं मिल सकता। द हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो हमारी नर्सेस लगाती हैं हमारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, वो अनमैच्ड है। हमारी नर्सेस आर आर स्ट्रेंथ, आवर बैकबोन, आवर फ्यूचर लीडर्स। सो लेट्स इन्वेस्ट इन द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद द नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ ANTH। A very happy International Nurses Day to all the nurses in the world. Wards में और critical cares में nurses first in the line हैं, जो patients के problems को handle करते हैं। मैं nurses को ये message देना चाहूँगा कि try to be a nurse whom you would like to have as a patient. इस्लामाबाद Nursing College Dr. अकबर नियाज़ी Teaching Hospital का एक हिस्सा है। इस्लामाबाद Nursing College में nursing students को nursing की बुनियादी तालीम दी जाती है, और उसके बाद students को Dr. अकबर नियाज़ी Teaching Hospital में भेजा जाता है, जहाँ पर वो अपनी professional training हासिल करते हैं। डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल एक 500 बेडेड हॉस्पिटल है, और इसमें वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो कि एक मेयारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स इस लिहाज से बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि उनको डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल जैसी एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ वो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सालों में हम नर्सिंग शॉर्टेज को ओवरकम कर सकेंगे और अपने हॉस्पिटल्स में क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर सकेंगे। मैं तमाम नर्सिंग कम्युनिटी को नर्सिंग के आलमी दिन पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमें इस बात का इदराक करना होगा कि हेल्थ केयर इज़ नर्सिंग केयर। हम हेल्थ केयर में कोई एडवांसमेंट अचीव नहीं कर सकते जब तक हम पाकिस्तान के अंदर नर्सिंग केयर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारे पास नर्सों की तादाद इस वक्त WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत कम है, और जिसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर सेक्टर उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सक रहा जिस तरीके से हमें एडवांसमेंट और प्रोग्रेस करनी चाहिए। सबसे पहले मैं COVID-19 में जो हमारे नर्सिंग के कंट्रीब्यूशन थी, उसके लिए उनको खराज तहसीन और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल ने नर्सिस कंटिन्यूड एजुकेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जहाँ हम अपनी नर्सिस के मुसलसल स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ हम हर साल 25 बैचलर्स ऑफ नर्सिंग की स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके ज़रिए हम इस प्रोफेशन को डेवलप कर रहे हैं। इस्लामाबाद नर्सिंग कॉलेज हर साल 50 नर्सिस ग्रेजुएट करता है, और हमें इस बात का फ़ख्र है कि वी हैव वन ऑफ द मोस्ट के एडवांस करिकुलम के ज़रिए और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के ज़रिए हम बेहतरीन नर्सिंग एजुकेशन मुहैया कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर नर्सिंग के आलमी दिन पर तमाम नर्सिस को और तमाम हेल्थ केयर कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और मैं इस बात से की तवक्को करता हूँ कि हम सब मिलकर नर्सिस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में मदद करें।